इंदौरी भैया सबको राम राम। तो आज आ गया है हमारे पास OnePlus के बुलेट Z2 ANC। अब OnePlus बुलेट Z2 की बात करूं तो भाई बहुत बेकार, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस नेकबैंड को और मैं पर्सनली भी काफी लोगों को रिकमेंड करता था। पर आप ये जो Z2 ANC लॉन्च किया है इसमें क्या चेंजेस ब्रॉट अप करे हैं, क्या डिफरेंट है, वो आज वीडियो में बात कर लेंगे। और एक्सपीरियंस जो रहा है, मैंने टेस्टिंग करी है इसके साथ, तो मैं बताता हूँ आपको कैसा रहेगा। डब्बा खोल लेते हैं, डब्बे आपको देखने को मिलते हैं कुछ ब्रांडिंग वगैरह, कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं यहाँ पे। कंटेंट पैकेज की बात करें अंदर तो आपको यहाँ मिल जाएगी एक मैनुअल, इस बारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक आपको रेड क्लब का कार्ड मिल जाएगा, एक आपको केबल मिल जाएगी चार्जिंग के लिए और कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन के ईयर टिप्स मिल जाते हैं। अब मैं सीधे बात करूंगा यहाँ पे नेकबैंड को लेकर। तो नेकबैंड में जो डिजाइन है वो ऐसे उसको यूनिक या डिफरेंट नहीं है, आप नॉर्मल जो नेकबैंड आप देखते हैं उस तरह के नेकबैंड है और प्रीवियस जनरेशन से डिजाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं कर रखे, सेम टू सेम ही आपको Z2 जैसे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक साइड आपको बटन दे रखे हैं, आपका चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा, लाइट इंडिकेशन मिल जाएगा, अदर साइड में आपको सिर्फ OnePlus की जो है ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब ये टिप्स को लेके बात करूं तो प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है यहाँ पर और मैग्नेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो कुछ इस तरह से ये अटैच हो जाता है और मैग्नेटिक फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ऑन ऑफ का है, अगर ये अटैच्ड है तो ये ऑफ है और जैसे इसको खोलोगे आपका जो नेकबैंड है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर खास नोटिस करने के लिए कि जो इसकी केबल है वो ब्रेडेड आपको देखने को मिलती है, प्रोटेक्शन के मामले में थोड़ी सी बेहतर है कंपैरेटिवली अगर आप इसको बात करेंगे जो इस प्राइस में दूसरे नेकबैंड्स आते हैं, तो यहाँ पर टेयर होने के चांसेस मेजरली इस वायर के ही रहते हैं, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी नहीं। बाकी बॉडी जो है आपको मैट फिनिश के देखने को मिलती है, प्लास्टिक बॉडी का यूज कर रखा है, बीच में यहाँ पर सिलिकॉन दे रखा है जो आपके नेक के अराउंड जाता है, तो ऐसा बॉडी से तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन से कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसर्न मेजर आया था फिटिंग को लेके। अब फिटिंग में जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये जो इनियर टाइप का डिजाइन है ये कहीं ना कहीं कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगा और लाइट वेट होने की वजह से आप लंबे समय तक पहन सकते हो, मूवीज देख रहे हो, बिंदास मूवी देख सकते हो, बिंज वॉच कर रहे हो, अपना कोई फेवरेट शो तो आप बिंज वॉच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसा फिटिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं, काफी कंफर्टेबल आपको मिल जाते हैं और लार्ज मीडियम स्मॉल के सिलिकॉन्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। बट देखो मेजर बात आती है कहां पर है, हार्डवेयर को लेके। अब हार्डवेयर में क्या अपग्रेडेशंस करे हैं, तो यहां पर जो ब्लूटूथ है वो 5.2 दिया है, अगर कंपटीशन की बात करूं तो वो आपको यहां पे ब्लूटूथ 5.3 प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बोट की ईयरबड्स की बात करूं या नेकबैंड को लेकर बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा कंसर्न मुझे लगा कि उन्होंने 5.2 क्यों यूज कर रखा है। एज सच कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं है, 10 मीटर की रेंज आपको प्रॉपर देखने को मिलती है, प्लस यहां पे सुपर फास्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, मतलब एक बार कनेक्ट हो रखा है आप जैसे ही इसके मैग्नेट्स को अटैच करेंगे आपका डिवाइस जो है फटाक से कनेक्ट हो जाता है, प्लस आपको गूगल फास्ट पेयरिंग अवेलेबल कर रखी है यहाँ पर, तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है। जैसे कि आपने नॉर्मली एप्पल के एयरपॉड्स देखे होंगे ना, वो कैसे फटाफट से कनेक्ट हो जाते हैं डिवाइसेस से, तो यहाँ पर एप्पल फास्ट पेयरिंग का यही फायदा होता है कि आपकी ईमेल आईडी से एक बार कनेक्ट होने के बाद वो ईमेल आईडी अगर दूसरे डिवाइस में भी लॉगिन है तो फटाफट से वो डिटेक्ट कर लेता है जब भी आपका डिवाइस उसको नियर बाय नजर आएगा। अब बाकी चीजों को लेके बात कर लेते हैं, जैसे कि वाटर रेटिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको IP55 मिल जाता है, यानी कि वाटर और डस्ट दोनों से आपको रेजिस्टेंट मिल जाएगा यहाँ पर, जो मेरे हिसाब से नॉर्मल आपके स्प्लैशेस हो गए बारिश में अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर आप जॉगिंग करके रनिंग करके जो पसीना आपको आ रहा है तो ये उसको इजीली रेजिस्ट कर जाएगा। मेजरली यहाँ पे जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कंसर्न बन जाती है। ईयरबड्स से कंपेरेटिवली हम बात करते हैं तो ईयरबड्स हमारे पास केस होता है, केस के चलते हमें एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, बट नेकबैंड की बात करें तो ये ऑल गो एक ही बैटरी यहाँ पे लगी होती है और यहाँ पर जो है इन्होंने 220 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया। अब 220 mAh की जो बैटरी का इन्होंने इस्तेमाल किया है तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती है कि ANC और एक आपको नॉन ANC चीज़ मिलती है। अब ANC में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं 50% ऑफ वॉल्यूम तो 20 hours आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं अगर आप नॉन ANC में यूज़ कर रहे हैं तो 28 hours की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी एट 50% ऑफ वॉल्यूम। वहीं अगर मैं इसके टॉक परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो वो आपको यहाँ पे 13 और 16 hours की देखने को मिलती है, अगर आप ANC ऑन कर रखा है तो 13 hours तक आप यहाँ पे कंटिन्यूस बातचीत कर सकते हो कॉल पे, वहीं अगर आपने ANC ऑफ कर रखा तो 16 hours तक आप कंटिन्यूसली इस पे फोन पे बातचीत कर सकते हो। अब यहाँ पर सेकंड चीज जो है वो हो जाती है इसमें फास्ट चार्जिंग, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। 10 मिनट अगर आप इसको चार्जिंग पे लगा रहे हो तो आप 10 आवर्स तक कंटिन्यूसली फिर इसमें म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको बेहतर बना देता है। अब इन सब चीजों से हटके सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। Z2 से हम लोग काफी इंप्रेस थे ऑलरेडी, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस मिलती है। अब यहाँ पर क्या इंपैक्ट आया है और क्या चेंजेस ब्रॉट अप करें, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बैलेंस आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी मिल जाती है, हाईस की बात करूँ, लोज की बात करूँ, मिड्स की बात करूँ, तो ट्रेबल्स में आपको क्लैरिटी पूरी मिलेगी। इन डेप्थ जो हम लोग म्यूजिक सेपरेशन को लेकर बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेकर बात करते हैं, वो भी काफी प्रॉपर है, डायलॉग वगैरह आपको प्रॉपर सुनाई देते हैं, मूवीज वगैरह वॉच कर रहे हो आपको काफी क्लियर यहाँ पे ऑडियो मिल जाता है। बेस को लेकर कंसर्न रहता तो बेस डेफिनेटली OnePlus Buds Z2 का भी काफी अच्छा था,
वही बेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और बेस में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है डेप्थनेस। डेप्थनेस काफ़ी अच्छी है बेस में, तो मैं पर्सनली कहूँगा कि आपको बेस में कोई कमी महसूस नहीं होगी। और बाकी आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करी रखी है मेलोडी, यहाँ पे जाकर आप काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है चेकआउट कर सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी से रिलेटेड। आपको डिफरेंट जहाँ पे प्रीसेट दे रखे हैं, कस्टम अगर आपको प्रीसेट बनाना है तो आप कस्टम प्रीसेट भी बना सकते हैं। आपको बेस और बढ़ाना तो आप बेस भी बढ़ा सकते हो, तो वो आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो है इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। अब ANC को लेकर जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये मैं मोस्टली ईयरबड्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, बट काफ़ी सारे नेकबैंड्स भी मार्केट में आ गए हैं जिनमें ANC मिलता है, और मैंने ANC वाले जो नेकबैंड्स है वो ट्राई भी करें। बट एज अ पर्सनल यूजेज मेरे को लगा कि ANC वाली चीज़ नेकबैंड में उतनी इंपैक्टफुल नहीं है, बट OnePlus की ये नेकबैंड के साथ मुझे थोड़ा सा बेहतर फील हुआ। मतलब अगर आप इसको 30-40% या 50% की वॉल्यूम के अराउंड सुन रहे हो और आपने ANC ऑन कर रखा है तो वहाँ पर आपको डेफिनेट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट अगर आपकी वॉल्यूम 50% ऊपर है तो आपको जो है ANC का उतना इफेक्ट मालूम पड़ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा इसमें नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने को मिला था, क्योंकि इसमें सिलिकॉन आपको ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं और इन ईयर टाइप का डिज़ाइन है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपकी जो वॉल्यूम है 30-40% पर आपने ANC ऑन कर रखा है, स्पेशली जैसे जिम वगैरह में आप हो जहाँ पे ऑलरेडी म्यूजिक चल रहा है और आपको उसको कम करना है, तो वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। 45 डेसिबल तक की जो भी नॉइज़ सराउंडिंग की है उसको रिड्यूस कर देता है, और मैं पर्सनली उससे काफी इंप्रेस हुआ। अब यहां पर उसका अपोजिट ट्रांसपेरेंसी मोड ही प्रोवाइड कर रखा है। ट्रांसपेरेंसी मोड की जब हम लोग बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे हेल्पफुल लगा यहां पर पर्सनली। अब हम लोग ट्रांसपेरेंसी मोड का बेसिक यूज कहां पे करते हैं, जैसे क्योंकि बातचीत करने हमसे आया और हमको हमारे नेकबैंड को निकालना नहीं है, ईयर टिप्स को निकालना नहीं, तो यहां पर वो इफेक्ट आपको बहुत प्रॉपर मिलता है। और वॉल्यूम को आप थोड़ा सा कम कर लो, नीचे 30-30-10-30-20% के अराउंड कर लो, तो फिर आपको सामने वाले की आवाज़ बहुत प्रॉपर सुनाई जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब रही बात कॉलिंग वाली चीज़, जो कि बहुत एसेंशियल हो जाती है कॉलिंग पर्पज़ से। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं पर्सनली नेकबैंड ही रिकमेंड करता हूँ। अब यहाँ पर कॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगा, तो कॉल के टाइम पे परफॉर्मेंस कैसे आती है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो OnePlus के बुलेट Z2 ANC में से रिकॉर्ड हो रहे हैं, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस नेकबैंड देते हैं जब आप कॉलिंग या फिर गेमिंग के टाइम पे इनका इस्तेमाल करोगे। अब चूंकि देखो गेमिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है आजकल, काफ़ी सारे लोग गेमिंग करने लगे हैं, वापस से गेम का जो दौर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि BGMI जो है वापस से आपको अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ पर मेजर कंसर्न यही है कि लेटेंसी की परफॉर्मेंस कैसे मिलने वाली है, तो यहाँ पर लेटेंसी में दिक्कत नहीं आएगी आपको एज सच, गेमिंग के टाइम पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी सही मिल जाती है। प्लस यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात करी कि डिटेलिंग्स बहुत अच्छी है, आपको सराउंडिंग के इफेक्ट्स वगैरह काफ़ी प्रॉपर सुने जाते हैं, और एनिमीज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आपको प्रॉपर मालूम पड़ जाता है, तो गेमिंग के आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बट यहाँ पर से ख्याल रखना कि iOS डिवाइसेस में अगर आप चला रहे हो तो वहां तो मुझे पर्सनली दिक्कत नहीं आई है। एंड्रॉइड डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास लेटेस्ट और हैवी डिवाइसेस हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव वाले, तो आपको एज सच लेटेंसी का इशू नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपके पास थोड़े से पुराने डिवाइसेज हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो लेटेंसी वाली चीज़ एक्सपीरियंस हो सकती है। बाकी तो बटन दे रखे हैं आपको, बटन फंक्शंस को लेके मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बीच वाला बटन है ये है आपका मल्टी फंक्शन बटन, इसी से आपके मेजर सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे। जैसे आपको म्यूजिक को प्ले पॉज करना है वो इससे आप कर सकते हो, ट्रैक्स अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको इसमें जो मोड दे रखे हैं ट्रांसपेरेंसी और ANC उसमें स्विच करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ऊपर वाला जो बटन दे रखा है छोटा वाला, इसका यूज़ क्या है बेसिकली, तो यहां पर इसके यूज से आप असिस्टेंट को वेक कर सकते हो। अगर आपको गूगल है, बिक्सबी है, सीरी है, जो भी जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड है, आप ऑटोमेटिकली इस बटन को दबा के उसको वेक कर सकते हो। तो बटन फंक्शंस आपके लिए क्वाइट क्लियर हो गए हैं। अब कंक्लूजन को लेके मैं बात कर लेता हूँ। डिवाइस की जो प्राइसिंग अभी करेंटली अमेजोन पे थी 2200 या 2300 के अराउंड मुझे ये पड़ा था वहाँ पे, और इस प्राइसिंग पे अगर हम लोग नेकबैंड में कॉम्पिटिशन को लेकर बात करते हैं तो आपके पास एज सच प्रीमियम ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, बोट वगैरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, नॉइस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट वो भी काफ़ी लिमिटेड हो गए। तो ये डिवाइस मुझे पर्सनली अच्छा तो लगा है, बट जो ये ANC वाली चीज को लेके जो यहाँ पे इन्होंने बात करी है वो मुझे पर्सनली उतना ज्यादा इफेक्टफुल लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप ANC वाली चीज के लिए जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ईयरबड्स के लिए जाओ। बट अगर आपको नॉन ANC वाली चीज चाहिए और आपको वायर टाइप ऑफ डिवाइस चाहिए तो फिर आपके लिए ये वाले नेकबैंड ज्यादा प्रेफरेबल रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको Z2 मिल रहा है तो आप Z2 के साथ ही जा सकते हो, फोकट ANC वाली चीज के लिए अगर आप ज्यादा पैसा देने के इच्छुक हो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तो आपको बोलूंगा कि Z2 ही आपके लिए बेहतर है। हाँ, बाकी इनकेस अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो यार भाई के लिए आपको लाइक तो जरूर से कर देना चाहिए, और एक प्यारा वाला कमेंट करके जाना भाई के लिए, तो एक खुशी मिलती जब भी आपके कमेंट्स आते हैं। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।